हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ अंक एस बघेल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो आज की डेट मैं आप सबसे पहले बता देती हूँ, तो आज की डेट है 26th of June और अभी बज रहे हैं रात में 8:30। तो मैं जा रही हूँ अभी कुछ चीज़ें लेने मार्केट से, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह। पास में आओ। बस, आप भी चलोगे? हाँ। चलोगे? बड्डू नहीं जाएगा, सोया है। ओके ठीक है बड्डी। अरे सो रहा है क्या? चल रहा है? अरे छुप गया। और आप मेरे लिप बाम लेके कहाँ जा रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं लिप बाम? जेब में रख रहे हैं? अच्छा रख लो, पॉकेट में रख लो, रख लो पॉकेट में। ओके। अरे वाह भाई, स्वैग में है भैया, वाह भाई। तो अभी इस टाइम पे मैं निकल रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा कल से बारिश हो रही है। कल दोपहर से बारिश रुक ही नहीं रही है, अभी थोड़ा सा पानी रुका है, तो मैंने सोचा कि चलते हैं थोड़ा सा काम ख़त्म करते हैं। सो अभी सौरभ निकल रहे हैं ऑफिस से, वो मुझे रिसीव करेंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि मेन रोड है वहाँ तक हम लोग चले जाते हैं, उसके बाद वो वहीं से रिसीव कर लेंगे हमें। तो चलिए चलते हैं। सो यहाँ पे हम निकल गए हैं मेन रोड की तरफ और जैसे ही हम निकले वैसे ही सौरभ आ गए, और अभी भी बारिश हल्की हल्की चली रही थी, मतलब पूरा 24 आवर्स हो गए थे और बारिश अभी रुकी नहीं थी। जल्दी बैठो। मार्केट निकलने से पहले यहाँ पे जो वैन देख रहे हैं, हम वहाँ पे जा रहे हैं चाय पीने। एक्चुअली 2 महीने से ये वैन खड़ी थी, बट आज फर्स्ट टाइम ओपन मिली थी, तो हमने सोचा कि चाय ट्राई करते हैं यहाँ का, मतलब टेस्ट कैसा है, क्योंकि मैं हमेशा ही डिफरेंट जगह की चाय टेस्ट करना पसंद करती हूँ। आशु चाय पिएगा? हल्दी में केक कौन काटता है? हल्दी में केक आजकल पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हल्दी में, हिंदी सब में केक कट रहा है। सो यहाँ पे चाय हो रही है रेडी और हम वेट कर रहे हैं काफी देर से एक्चुअली। हाँ जी, किसका फोन है? फोन नहीं आया बेटा। लिबाम लेके घर से क्यों आए हो? लगा लो। अच्छा मम्मा को लगा दो। अच्छा लगा दो मम्मा को। वाय? No, always no. Why no? सो फाइनली यहाँ पे 15 मिनट्स वेट करने के बाद हमारी चाय बनकर आ गई थी। एक्चुअली चाय को लेके मैं इतना ज़्यादा चूजी हूँ ना कि जहाँ पे चाय अच्छी नहीं मिलती है मैं उस स्टॉल में या उस कैफ़े में दोबारा कभी नहीं जाती हूँ। सो यहाँ पे टेस्टी सी गर्मा गर्म सी चाय आ गई थी, और बारिश में चाय पीने का तो मज़ा ही कुछ और होता है, वो भी कार में बैठ के, तो और बहुत अच्छा लग रहा था। एंड उसके बाद हम निकले सब्जी मंडी की तरफ, और जैसी सब्जी मंडी पहुँचे तो सारे स्टोर ऑलमोस्ट बंद हो गए थे। एक स्टॉल खुला हुआ था जिसमें बहुत मुश्किल से मुझे 2-3 वेजिटेबल्स मिली, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं वीक में 2 बार सब्जियां लेती हूँ और मुझे स्टोर करके रखना पड़ता है, और बार बार सब्जी मंडी नहीं आ सकती मैं, मतलब एक्चुअली आशित को लेके बार बार नहीं आ सकती हूँ पैदल, तो जब सौरभ फ्री होते तभी मैं आती हूँ। सो यहाँ पे मैंने सब्जियां वगैरह ली और उसके बाद पेमेंट करी, और हम सर्च कर रहे थे फ्रूट्स वगैरह का स्टॉल, और 1-2 सब्जी का स्टॉल और सर्च करना था, तो हमें जाना पड़ा उसके लिए सदर। तो यहाँ पे देखिए मैं सब्जियां सेलेक्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे सारी सब्जियां लेके जितनी एक्चुअली मिली उतनी लेके मैंने रख दी हैं कार में, और उसके बाद हम गए सदर। तो ये रहा यहाँ का दूसरा स्टॉल, और बाजू में फ्रूट स्टॉल भी था, तो फ्रूट्स वगैरह लिए, सब्जियाँ वगैरह ली, एंड उसके बाद हम आ गए घर वापस। बड्डी यार, टेबल भी कुछ चढ़ता है। बड्डू आ रहे हैं बेटू, आ रहे हैं। गाड़ी पार्क करने दो। आ रहे हैं। सो गाइज, अभी मैं आ गई हूँ मार्केट से वापस, और अभी रात में बज गए हैं 10 और मुझे प्रिपेयर करना है अभी डिनर, तो मैं आपको कल मिलती हूँ सीधा, क्योंकि डिनर के लिए काफ़ी लेट हो गया है, तो अभी बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो चलिए मिलते हैं आपको सीधा कल। हाय गाइज, वेलकम बैक। सो आज की डेट है 28th of June और अभी बज रहे हैं दोपहर में 2:30, और मैं जा रही हूँ पार्लर क्योंकि सौरभ अभी ब्रेक शिफ्ट पे आए हैं, तो वो आशुत के साथ घर पे रहेंगे, तो मैंने सोचा पार्लर जाते हैं थोड़ा स्किन पैम्पर कर दे, क्योंकि आई थिंक कुछ 3 महीने पहले मैं गई थी, बहुत ज़्यादा स्किन रफ हो रही है। सो अभी निकलते हैं, और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना, 2 दिन हो गए हैं कंटिन्यू बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अभी थोड़ा सा पानी कम हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलते हैं फटाफट से।
सो यहाँ पे जैसे ही निकली मैं पार्लर के लिए, बारिश होना स्टार्ट हो गई तो मैंने सौरभ को बोला कि आप मुझे ड्रॉप कर दो अदरवाइज़ मैं भीग जाऊँगी। तो सौरभ यहाँ पे जा रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ सेलिना ब्यूटी पार्लर, और घर के पास में ही है क्योंकि मैं घर के पास वाले में जाना ज़्यादा प्रिफर करती हूँ क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा बच जाता है। एंड देन उसके बाद आशद जिद कर रहा था थोड़ा घूमने की, तो यहाँ पर सौरभ लेके जा रहे हैं आशद को हाईवे तक, थोड़ा सा घुमा के लेके आएंगे, और उसके बाद कुछ खाने की जिद कर रहा था, और उसके बाद वो लोग निकल जाएंगे घर के लिए। और यहाँ पे देखिए ये है पार्लर का गार्डन जो कि बारिश में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैं आ गई हूँ पार्लर के अंदर, और अभी यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें करानी थी बट टाइम बहुत कम था क्योंकि सौरभ को वापस से ऑफिस जाना था, तो आशद घर पर अकेला रहता तो वो अकेले छोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने जस्ट क्लीन अप कराया, और बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे थे, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, और हेयर स्पा भी मैंने बहुत टाइम से नहीं लिया था, तो क्लीन अप और हेयर स्पा करा के मैं निकल गई घर की तरफ। और उस टाइम पे बारिश थोड़ा रुकी हुई थी तो फिर मैं पैदल ही आ गई घर, और जैसे ही आई तो यहाँ पे आशवत सौरभ सभी लोग सो रहे थे, बड्डू बेचारा मेरा वेट कर रहा था। सो मैं आ गई हूँ अभी घर से वापस, और हेयर स्पा लिया मैंने और क्लीन अप लिया, और बहुत सारा टाइम लग गया क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पर, तो करीब 2 घंटे हो गए हैं मुझे गए हुए। सो अभी आ गए हैं घर, आई थिंक सौरभ और आशद सो रहे हैं, तो चलिए उठाते हैं सबसे पहले उनको। हाय बड्डी ये ले ये ले, अच्छा ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। सो अभी मैंने कर लिया है चेंज क्योंकि बारिश में मैं आई तो मैं भीग गई थी थोड़ा थोड़ा, तो अभी चेंज वेंज कर लिया है और ठंड लग रही है तो मैं जा रही हूँ अभी चाय बनाऊँगी मज़ेदार सी। हाय गाइस वेलकम बैक। सो आज हो गया है नेक्स्ट डे, यानी आज की जो डेट है वो 29th of June है, और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। मैं हो गई हूँ रेडी क्योंकि मुझे जाना है आशद के प्ले स्कूल पे क्योंकि मैं उसका एडमिशन करा रही हूँ प्ले स्कूल में। तो हमारी जो सोसाइटी है उसके बाजू वाली सोसाइटी में है वो स्कूल, तो मैं सोच रही हूँ कि जाती हूँ पता करती हूँ क्या कैसा है एडमिशन का, फ़ीस वगैरह क्या है, स्कूल देख के आऊँगी कि कैसा है क्या है, सही है सारी चीज़ें कि नहीं, और मैम से भी मुझे मिलना है। तो एक्चुअली मेरी फ़ोन पे बात हुई थी 1-2 दिन पहले बट फेस टू फेस मीटिंग नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि एक बार मिल लेते हैं सारी चीज़ें पता कर लेते हैं, उसके बाद उसका एडमिशन करा देंगे आशद का। तो सुबह सुबह मैं उठी, नहाई वहाई रेडी वेडी हुई और अभी मैं निकल रही हूँ। तो अभी क्या है कि सौरभ घर पर है, आशद सो रहा है, तो वो दोनों घर पर रहेंगे, तो मैं फटाफट से होके आ जाती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है कैसे होता है कितना मैं ब्लॉग वहाँ पे शूट कर पाती हूँ, जो भी चीज़ें होगा आप लोग से सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं यहाँ से। हाय बड्डी गुड मॉर्निंग। तो बड्डू सो रहा है यहाँ पे। बाय बड्डू। बाय बाय। बाय बाय। नो रिस्पॉन्स। बाय बाय। सो यहाँ पे मैं निकल गई हूँ पैदल पैदल, और जैसे ही मैं निकली, अभी थोड़ी देर पहले बारिश बंद थी और जैसे ही मैं निकली तो थोड़ा सा बूंदा बांदी होना स्टार्ट हो गई थी, यानी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बट मैंने सोचा कि अभी ये वाला काम तो कंप्लीट कर ही लेते हैं क्योंकि अभी 1 जुलाई आने वाला है, तो मैं सोच रही थी कि 1 जुलाई से ही वो जाना स्टार्ट कर दे। घर से बाहर निकली वैसे ही बारिश होना स्टार्ट हो गई है, फटाफट से चलते अदरवाइज़ मैं पूरी गीली हो जाऊँगी। सो यहाँ पे सामने आप जो देख रहे हैं गार्डन, इसके बैक साइड में है फेथ वैली स्कूल, और यहाँ पे फाइनली मुझे स्कूल का बोर्ड मिल गया था जहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दिया था, एड्रेस दिया था। एंड यहाँ पे मैं आ गई हूँ स्कूल की बिल्डिंग में, ये है इसका बैक साइड एरिया और यहाँ पे है आगे इसका फ्रंट। अभी चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ, और स्कूल का नाम है फेथ वैली स्कूल। यहाँ पे प्ले ग्रुप में जो बच्चों को डालते हैं KG और नर्सरी, 2 से 5 ईयर्स तक के बच्चों का ही है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक्चुअली घर में ही उन्होंने ओपन किया है। तो ये रहा यहाँ का गार्डन वाला एरिया, ये है स्विमिंग पूल। बारिश की वजह से थोड़ा सा गंदा था, अभी वो बोल रहे थे कि 1-2 दिन में क्लीनिंग हो जाएगी जब तक बच्चे आना स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली अभी 3 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था बारिश की वजह से स्कूल। और ये रहा यहाँ का ऑफिस, तो यहाँ पर मैंने मैम से सारी बातें वगैरह की, और ये यहाँ का फ़ीस वगैरह स्लिप, ये सारी चीज़ें मैम मुझे दिखा रही थी, तो ये सब चीज़ें मैंने कैप्चर करी। और रूम्स वगैरह अभी खुले नहीं थे तो मैंने जस्ट अभी कैमरे में सारी चीज़ें कैप्चर करी। तो ये रहा जो भी आशद जहाँ पे जाएगा क्लासेस, तो क्लासेस कुछ इस टाइप से हैं। ये सारी चीज़ें पता करने के बाद मैं आ गई घर वापस। मैं आ गई हूँ घर वापस, और जैसे ही यहाँ से निकली बारिश स्टार्ट हो गई बट ज़्यादा नहीं हो पाई, उसके पहले मैं आ गई। सो मैम से मिल लिया है, वहाँ पे मीटिंग वगैरह कर ली है, क्या कैसा है एडमिशन का, एडमिशन फ़ीस कितनी है, मंथली फ़ीस कितनी है उसकी, यूनिफॉर्म वगैरह का क्या है, बुक्स का क्या है,
पीछे बुक्स वगैरह तो अभी ज़्यादा नहीं लगेंगी उसको, लर्निंग बुक्स लगेंगी थोड़ा बहुत, बट वहाँ पे चार्ज सबमिट कर देना है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा के दे रहे हैं, यूनिफॉर्म वगैरह भी वही दे रहे हैं, बस उनको चार्ज पे करना है। सो सारी चीज़ें मैंने पता कर ली है, मैम से अच्छे से मीटिंग वगैरह कर ली है। तो अभी आज है, आई थिंक आज है थर्सडे, सैटरडे के पहले पहले मुझे एडमिशन कराना है, एंड मंडे से आश्वत का प्ले स्कूल आश्वत मतलब स्टार्ट कर देगा जाना, और जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 9 to 12 है, यानी 3 घंटे के लिए जाएगा वो। सो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और उसका भी थोड़ा रूटीन बनेगा, क्योंकि अभी क्या है ना, बहुत ही फसी हो गया है घर पे रह रहे कि बहुत ज़िद्दी होता जा रहा है, बच्चों से थोड़ा इंटरेक्ट करेगा तो चीज़ें भी सीखेगा और थोड़ा सा सही भी रहेगा उसके लिए भी, और मेरे मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। तो एक्चुअली थोड़ा बिजी रहेगा वो, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसका रूटीन बनेगा, सबसे मुझे टेंशन यही रहती है उसकी, क्योंकि उसका कोई भी चीज़ रूटीन में नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उसका रात में लेट सोना, सुबह लेट तक सोना, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम होती है, और उसकी वजह से मेरा और सौरभ का भी रूटीन ऐसे ही चलता है, स्पेशली मेरा, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें मेरे पे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो अभी थोड़ा सा रूटीन में आ जाएगा, सुबह से उठना, रात में जल्दी सो जाना, टाइम से खाना खाना, सारी चीज़ें उसकी थोड़ा सा थोड़ी वो डिसिप्लिन में सारी चीज़ें आ जाएंगी उसकी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और बस अभी प्रिपरेशन ऐसी कुछ करनी नहीं है, बट थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है मुझे उसके लिए, बैग्स वगैरह लेना है, बैग, टिफ़िन, बॉटल, ये सारी चीज़ें मुझे लेनी है। तो बस अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना एडमिशन करा लिया फिर से प्ले स्कूल में। तो बस अभी प्रिपरेशन, मैं कल तक शॉपिंग कर लूँगी उसकी, और एडमिशन हो जाएगा 1-2 दिन में, परसों जाके एडमिशन करा लूँगी, और मंडे से आशल सिंह जाएंगे प्ले स्कूल। सो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ, ये वाला ब्लॉग एडिट करूँगी थोड़ी देर बाद, अभी चाय वगैरह बनाऊँगी क्योंकि सौरभ उठ गए हैं, उनको जाना है ऑफिस, तो ब्रेकफास्ट और चाय फटाफट से बना लेती हूँ, और बाकी जो भी आश्रित की प्रिपरेशन होगी, हो सकता है शाम तक जाऊँ मैं मार्केट, या कल भी हो सकता है, अभी मेरे पास 2-3 दिन का टाइम है, तो मैं आराम से सारी चीज़ें कर लूँगी। तो चलिए अभी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप लोग ये वाला ब्लॉग इन्जॉय करिए, बाय बाय गाइस, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय।